मैथ्स और रीजनिंग का कितना तो तो क्योंकि आ, हम लोग जब रीजनिंग में हम जाते हैं तो हम रीजनिंग में क्या पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल पढ़ते हैं हम आ, बहुत सारे हमारे पास में तथ्य होते हैं जिनको हम पाई चैट के माध्यम से या फिर आ, ग्राफ के माध्यम से हम सम, समझते हैं उसमें और अगर हमारा डिसीजन मेकिंग ये अच्छा नहीं है हमारा कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा नहीं है तो वो एग्जाम क्या वो तो लाइफ में फिर हम अनसक्सेसफुल रहेंगे हुँ, हुँ, क्योंकि अगर आप जब अधिकारी बनते हैं उसके बाद फिर आपके पास में फाइल्स आनी स्टार्ट होती है फाइल्स आती है तो वो जो शब्द लिखे रहते हैं जो फाइल्स में अगर वो जिस प्रकार से लिखा है और उसी प्रकार से आप उसको समझ रहे हैं तब तो ओके है अगर आप उस आपके अंदर वो समझ ही नहीं है आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप आप अच्छा अधिकारी नहीं बन पाओगे फिर आपकी काम पेंडेंसी होने लग जाएगी आप बहुत सारी ऐसी चीजों से डील करने लग जाएंगे जो मे भी शायद उस चीज़ के लिए नेसेसरी ही ना हो तो आपको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो डिप्लोमे डिप्लोमेसी क्या होती है हमको कैसे उससे बाहर निकलने हैं तो रीजनिंग आपका पढ़ाई तक नहीं है वो आपका पढ़ाई के बाद भी जब आप सर्विस लाइफ में आते हो तब भी इम्पोर्टेंट है और इवन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है सेम वैसे ही मैथ्स है मैथ्स में भी जो बेसिक मैथ्स होता है मैं पीएचडी की बात नहीं कर रही हूँ बेसिक मैथ्स वो तो आपके आम जीवन में भी इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंट रखता है मतलब आपको परसेंटेज तो आना ही चाहिए कि आप मान लीजिए कोई घर खरीदने जा रहे हो कोई वहाँ पे अगर सामने जो ठेकेदार है आपका अगर वो कुछ समझा रहा है आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो तो फिर वो तो प्रॉब्लम हो गया ना सेम वैसे ही आप अधिकारी बन गए आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता आपके पास में बहुत सारी योजनाओं के पैसे होते हैं बहुत सारे आपको उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उन उनका पूरा बजट का आपको देखना पड़ता है आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे काम करोगे आगे बेसिक हर सब्जेक्ट आना चाहिए सिविल सर्विस कहीं से भी आपको ये नहीं बोलता कि आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में पी होना चाहिए वो आपका सामान्य ज्ञान है आपको सामान्य रूप से आपको हिस्ट्री भी आना चाहिए ज्योग्राफी भी आना चाहिए आपका मैथ्स भी आना चाहिए आपका साइंस भी आना चाहिए आपका समाज शास्त्र भी आना चाहिए आपको दर्शन शास्त्र भी आना चाहिए ये सारे सब्जेक्ट अगर शामिल किए गए हैं तो बहुत सोच समझ के शामिल किए गए हैं और आपको ये आप जिस लाइफ का आप जा रहे हैं जिस लाइफ का आप सपना देखते हैं उस लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर कर किया जा रहा है इस एग्ज़ाम के माध्यम से